तिब्बती शरणार्थियों ने बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का 83वां जन्मदिन जोधपुर स्थित पृथ्वी होटल में मनाया। भारत तिब्बत मैत्री संघ जिला शाखा जोधपुर में तिब्बत शरणार्थी स्वेटर विक्रेता कल्याण सोसाइटी जोधपुर की ओर से आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। संघ की महिला विंग की अध्यक्ष रेशमा बाला ने बताया कि धर्म गुरु दलाई लामा को शांति पुरस्कार से सम्मानित होने से 29 वर्ष पूर्ण होने के दो दलाई लामा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में तिब्बती शरणार्थियों और सदस्यों द्वारा विश्व शांति की पूजा की गई। तिब्बती प्रधान कागजा वे पालेन ने बताया दलाई लामा के जन्मदिन पर गरीब बच्चों को ऊनी वस्त्र व मिठाइयां वितरण की गई। वे शाम को 5:30 बजे शास्त्री सर्कल पर दलाई लामा की दीर्घायु के लिए शुभकामनाओं का संदेश लिखा हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे। ये बैनर को हिमाचल प्रदेश स्थित धर्मशाला भेजा जाएगा। इस अवसर पर हस्ताक्षरकर्ताओं का स्वागत भी किया जाएगा। उपलक्ष्य में आज दलाई लामा जी को 29 साल हो जाएंगे, नोबेल शांति पुरस्कार आज ही के दिन मिला था। और आज हमारे ये सभी तिब्बती जो शरणार्थी है वो आज जोधपुर वासियों को ये दिखा रहे हैं कि थैंक यू इंडिया कहते हुए धन्यवाद दे रहे हैं कि हमें यहाँ पे आप लोगों ने शरण दी है। पूरे इंडिया को धन्यवाद दे रहे हैं। और शाम को हम 5:30 बजे शास्त्री सर्कल के पास में दलाई लामा जी के बैनर पर हस्ताक्षर का अभियान करवा के उनको धर्मशाला उनको शुभकामनाएं उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करने के साथ में हस्ताक्षर अभियान चलाएगा। जी बताएं, आज हमारे यहाँ जो ट्रेडर्स मार्केट है ना नेपाली का, मतलब तिब्बती का नेपाली तिब्बती मार्केट है, उस मार्केट में हर साल यहाँ पर हमारे जोधपुर में अब 30-25 साल से हम यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग नोबेल पुरस्कार जो दलाई लामा जी को प्राप्त हुआ वो हम हर साल मनाते हैं। उस वक्त अब मैडम जी है, सब लोग यहाँ पर जो यहाँ आते हैं और इस दरमियान हम लोग यहाँ पर फंक्शन करते हैं। और साथ में फिर हम गरीब जो बंदे होते हैं यहाँ पर जोधपुर में अपना जो तो हम अपना जो दिल्ली शरणार्थी है ना वो मार्केट से सामान लेके सब अपना स्वेटर सब देके जेंट्स लेडीज बच्चे का सब देके तो हम लोग आज बांटने जाएंगे। हर साल बांटते हैं हम लोग आश्रम में जहाँ जहाँ सब लोग गरीब वगैरह जो तो इसके साथ ना 60 साल हो गया हमारे को यहाँ पर भारत में शरणार्थी के रूप में। तो उस कारण हम लोग थैंक यू इंडिया भी इस साल 2018 में गर्मी में भी मनाया 2018 सब मतलब पूरे पूरा ना हम लोग थैंक यू इंडिया मना रहा है।